हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। मुंगेर सांसद ललन सिंह ने आरजेडी पर निकाली अपनी भड़ास, कहा जिस पार्टी में फूट की गुंजाइश होती है वही दिखाई जाती है एकजुटता। बक्सर में कन्हैया कुमार का काला झंडा दिखाकर किया गया विरोध, कन्हैया ने नेताओं सहित पत्रकारों के खिलाफ उगला जहर। रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी से लोगों में है नाराजगी, गया में महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी का किया गया पुतला दहन। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मसौढ़ी से करेंगे। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन के लिए मसौढ़ी एसडीएम संजय कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी केंद्राधीक्षक सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी भी मौजूद रहे। मसौढ़ी एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए मसौढ़ी अनुमंडल में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 भी लागू रहेगी। शुरू होने वाला है और ये चलेगा 24 फरवरी तक। तो पहले भी आप लोग परीक्षा कराते रहे हैं, मजिस्ट्रेट बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं और सफलतापूर्वक इंटरमीडिएट का कराया भी है। पूरे मसौढ़ी अनुमंडल में जो है 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पे स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा अवांछित तत्वों पर निगरानी रखने सीसीटीवी कैमरे सेंटर पर जो है लगाए जाएंगे और इसके अलावा भी जो है जोनल दंडाधिकारी एवं बंदस्ता का भी जो है गठन किया गया है। परीक्षा कदाचार मुक्त हो इसलिए आवश्यक निर्देश दंडाधिकारियों को दिया गया। आवश्यक दिशा निर्देश दंडाधिकारी को दिया गया है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मार्ग निर्देश का प्राप्त हुआ है उसके बारे में इन लोगों को बताया गया है कि आप लोग समय पर पहुँचें, आप देख लें कि कहीं भी जो है वो चीट पूजा नहीं हो, सही ढंग से टेस्टिंग करें। बाहर में भी जो है जो भी असामाजिक तत्व हैं, बाहरी तत्व हैं जिनसे लगता हो कि यहाँ पे अनावश्यक लोग भीड़ कर रहे हैं तो पुलिस बल या पुलिस पदाधिकारी के सहारे उन लोगों को वहाँ से हटाएं। 144 धारा का जो शर्त है उसको कड़ाई से जो है। इन 5 परीक्षा केंद्रों पर कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं? इन सभी परीक्षा केंद्रों पे टोटल 4,830 बच्चियां जो है परीक्षा में सम्मिलित हैं। मुंगेर के तारापुर में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बजरंग दल ने कैंडल मार्च निकाल जय हिंद के नारे भी लगाए। तो उन पुण्यात्माओं का स्मरण करें तो हमारे युवक अगर इस काम को कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज है। वो मखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा था, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पग जाते वीर अनेक। तो जो वीर हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं और उनका स्मरण करना यानी उनके जैसा जीवन जीना, ये जीवन जो है वो राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, संस्कृति के लिए है, ये भाव उनके मन में जग रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। गोपालगंज में अपराधियों का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला गोपालगंज जिला के उचका गांव थाना के दही भत्ता गांव की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने सिविल कोर्ट के अधिवक्ता टुनटुन राम को गोली मार बुरी तरह से घायल कर दिया। वही घटना की सूचना पर गोपालगंज के अधिवक्ता उग्र हो गए और शहर के मौनिया चौक पर सड़क जाम कर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। देखिए, एक अधिवक्ता है टुनटुन राम, अकेला आज सुबह कचहरी के लिए अपने घर से आ रहे थे तो रास्ते में अपराधियों ने उनको जानबूझ के हत्या करने की नीयत से गोली मार दिया। सवाल यह है कि आखिर अधिवक्ताओं के साथ बार बार ऐसी आपराधिक घटनाएं क्यों घटती हैं और यदि घटती हैं तो इस पर प्रशासन मौन क्यों रहता है? इसलिए पूरा जिला प्रशासन को आज यह तय करना पड़ेगा कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा दे और ये जो अधिवक्ता को गोली मारी गई है इनके हत्या अपराधियों को, हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करें। टुनटुन राम अकेला अपने गांव से विधि कार्य हेतु सिविल कोर्ट गोपालगंज में आ रहे थे, रास्ते में अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और नाजुक स्थिति में वो अभी गोरखपुर रेफर किए गए हैं और उनकी चिंता जूझ रहे हैं, चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। हम लोगों की मांग है
कि हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान किया जाए। पुलिस प्रशासन काफी निष्क्रिय हो चुकी है और अपराध काफी बढ़ चुका है और लगातार अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है। सालीमपुर थाना अंतर्गत फोरलेन सड़क पर तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ चक्रधर शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही घटना से नाराज ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए बख्तियारपुर पटना फोरलेन को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम से निजात दिलवाया। बीजेपी को मुंगेर में मजबूत करने के उद्देश्य से नगर भवन में भाजपा द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय अग्रवाल भी शामिल हुए। वहीं मौके पर सभी नेताओं ने सबसे पहले झंडोत्तोलन कर वंदे मातरम गीत गाया, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बता दें कि इस दौरान नेताओं की सुरक्षा में तैनात जवानों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। कन्हैया कुमार के सभा स्थल के बाहर काला झंडा के साथ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे लोगों के साथ पुलिस की नोकझोंक हो गई। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें कि काला झंडा दिखाते हुए मंच के करीब पहुंच विरोध प्रदर्शन करने में भी हिंदू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश विद्रोही सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। वही विधि व्यवस्था को लेकर SP उपेंद्र नाथ वर्मा स्वयं कन्हैया कुमार के सभा स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कन्हैया कुमार ने अपने भाषण के दौरान नेताओं के साथ ही पत्रकारों के खिलाफ भी जहर उगला है। विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हिंदुत्व तोड़ने की बात कर रहे हैं और मनुवाद तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कौन सा नियम है कि आप हिंदुत्व और मनुवाद को तोड़ रहे हैं? हिंदू का देश है और उसी को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या घर में अपने गुंडागर्दी करके और तुम हीरो बन सकते हो? ये कभी नहीं। तुम देश की बात करो और तुमको हम हीरो बनाएंगे, लेकिन देश तोड़ करके तुम हीरो नहीं बन सकते हो कन्हैया। हम तुम्हारा आजीवन विरोध करेंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। हम लोग आम आदमी की तरह हैं, हम चाहते हैं कि तुम संयम से अपना काम करो। बाढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर पंचायत के युवा मुखिया मुन्ना कुमार सिंह के यहां आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के साथ बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार भी पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि दिल्ली चुनाव का बिहार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काम के आधार पर आप पार्टी को दिल्ली में बहुमत मिली है, उसी तरह से नीतीश कुमार को भी बिहार में बहुमत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने RJD में एकजुटता पर कहा कि जिस पार्टी में फूट की गुंजाइश होती है वही एकजुटता दिखाई जाती है। किसी को अगर ये कहने का जरूरत पड़ रहा है कि हम एकजुट हैं,
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दलाल है, तभी ना कह रहे हैं कि एक झूठा है। ये सफाई देने का क्या जरूरत है? हम लोग कभी कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। अरे एनडीए है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपस में तो सबका खैर कोई दुकान नहीं है। चुनाव आने वाला है बहुत जल्दी, और चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा कि जैसे लोकसभा के चुनाव में उन लोगों का दुकान बंद हो गया था, इस बार भी लोग जीरो पर आउट होंगे। और उसके बाद जो रघुवंश बाबू हो, चाहे जनता बाबू हो, चाहे लालू जी या उनका परिवार हो, सबका बुढ़िया वस्त्र समेट के इन्हें घर चले। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के सभी शिक्षकों ने 17 फरवरी से हड़ताल की घोषणा कर दी है। बता दें कि समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने हड़ताल करने की ठान ली है। पुलवामा में एक साल पूर्व हुए शहीद जवानों की श्रद्धांजलि सहित सीएए के समर्थन में सिकंदरा के युवाओं ने रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ शेखपुरा रोड स्थित प्रखंड कार्यालय से प्रारंभ हुई, जो जमुई रोड होते हुए पूरे बाजार का भ्रमण कर पुनः प्रखंड कार्यालय पहुंची, जहां लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। हिंदू सेना के द्वारा शहर के आजाद पार्क के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान में किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर हिंदू सेना के प्रमुख साकेत झा ने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जो 100 यूनिट का हमारा टारगेट था और हम लोगों ने 100 यूनिट पूरा कर लिया है, और हम गया वासियों से निवेदन करते हैं कि वो इस तरह के जो भी आयोजन हो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और देश के सैनिकों और समाज को एक ऐसा संदेश दें कि सभी का मनोबल ऊंचा रहे और देश हित समाज हित में सभी कार्य करें। आज जो भी प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब रहे, ओटीए से ब्रिगेडियर साहब रहे, एसएसबी से कमांडेंट रहे, और गया से प्रमुख डॉक्टर्स डॉक्टर एन के गुप्ता, डॉक्टर पी के वर्मा, डॉक्टर रतन कुमार, मणिकांत सर, प्रमुख व्यवसायी अनूप केडिया, मुन्ना डालमिया जी, प्रमोद भदानी जी, ये सारे लोग उपस्थित थे। सच्चिदानंद प्रेमी जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। गया जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष लाछो देवी के नेतृत्व में रसोई गैस की कीमत में 149 रुपए बढ़ोतरी करने के विरोध में समाहरणालय के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। वहीं महंगाई के खिलाफ तख्ती पर लिखे नारों के साथ राजेंद्र आश्रम से खाली सिलेंडर माथे पर लेकर काफी संख्या में महिलाओं ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सोनिया राहुल जिंदाबाद, 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 सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार जो गैस को बढ़ाए हैं उस पर हम लोग खड़े उतरे हैं। मोदी सरकार का यही एक मकसद है कि जहाँ जहाँ पर उसका हार होता है तो जनता को बात करते हैं। तो हम लोग भी मतलब चुप रहने वाला तो नहीं है, जब भी महंगाई कम नहीं करेंगे जब तक आंदोलन चलते रहेगा। आज हम पुतला दहन किए हैं मोदी सरकार का, गैस के बारे में, गैस महंगाई को लेकर क्या प्रदर्शन कर रहे हैं?
प्रदर्शन यही कर रहे हैं कि गैस सस्ता करें। आज महिला कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है और कांग्रेस पार्टी अगर कीमत नहीं कम करेगी सरकार तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन प्रखंड जिला सब जगह इसके खिलाफ में हम लोग करेंगे। आपने देखा है कि प्याज का कीमत, सरसों तेल से लेकर के सारे लहसुन का कितना आसमान चढ़ गया है, घर का जायका बिगड़ा है, सभी परिवार गरीब परिवार या सबका जायका बिगड़ा है। इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी इस पर संघर्ष करने के लिए उतारू है। चंद्रिका प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।